हमारे जीवन में मौसम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चुपती गर्मी से राहत पाने के लिए बारिश का मौसम आता है, फिर मूसलाधार बारिश हमारे लिए छोड़ के जाती है पतझड़ का मौसम, फिर आती है कड़कड़ा के रख देने वाली ठंड, जिससे उभरने के लिए कुछ महीने बाद आती है वसंत ऋतु। कभी सोचा है कि अगर मौसम का ये चक्र गड़बड़ा जाए तो मानव जाति को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा? इसी को समझाने के लिए हर वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है मौसम विज्ञान दिवस। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को मौसम विज्ञान तथा इसमें हो रहे परिवर्तन के बारे में जागरूक कराना है। ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते प्रदूषण के कारण दुनिया भर का मौसम बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम मौसम में हो रहे इस बदलाव के बारे में जानें और इस बदलाव को रोक सकें। मौसम की जानकारी हम लोगों के लिए किस तरह की अति आवश्यक है, कब और कहां कैसा मौसम है, ये है वाराणसी के बेचू मौसम विभाग से हमें पता चलता है और लोगों को जागरूकता एक तरह से मिलती है। इसी खूबियों को देखते हुए 23 मार्च 1950 से विश्व का मौसम दिवस मनाया जाता है। एक्चुअली है क्या कि जब मौसम तो किसी देश की थाती तो है नहीं, मौसम तो घूमता फिरता चीज़ है, किसी भी देश में कहीं भी जा सकते हैं और किसी भी देश के मौसम का असर किसी दूसरे जगह पर पड़ सकता है। ऐसे में ये समस्या थी कि अगर हम दूसरे जगह की इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास नहीं आ रही है तो हम अपने देश या अपने रीजन के बारे में कह सकते, तो इसलिए एक यूनाइटेड नेशंस ने जो विश्व की संस्था है उसने अपने अंतर्गत में एक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है स्विट्जरलैंड में, और वैसे भी इसके भी पहले ये इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह से पहले भी काम करता था जो कि एक एनजीओ की तरह से चलता था, लेकिन 47 में यूनाइटेड नेशंस ने इसे अडॉप्ट किया और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से उसको इस्टेब्लिश कर दिया। इसका काम यही है कि पूरी दुनिया से मौसम के से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ले करके और उसे पूरी दुनिया को एक नज़रिए से देखते हुए उसका मतलब एनालिसिस करे और समझे कि मौसम का क्या हाल है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। कि मौसम वर्षों का बदलाव जो है वो तो 30-40 साल के बाद समझ में आता है, क्योंकि मौसम तुरंत तो बदलता नहीं है, धीरे धीरे बदलेगा अगर कुछ बदल जाए तो, जिसको हम लोग क्लाइमेट चेंज की तरह से देखते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं इस साल मौसम पानी अच्छा बरसेगा तो इसका एक अनुमान हम लोग पहले दूसरे तरीके से लगा लेते हैं, जिसके लिए भारत में एक संस्था है भारत सरकार की, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत मौसम विज्ञान विभाग जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है, वो ये काम करती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, वो बताती है कि आपका मौसम आज से 4 महीने बाद कैसा होगा, या कोशिश करती है बताने की कि हम 7 दिन 6 दिन 5 दिन के बाद। 2021 का जो थीम है वो है और समुद्र और जलवायु और मौसम, इन तीनों को जोड़ करके एक मैंने इस बार की थीम बनाई। हर साल थीम बदलती रहती है उस समय के समसामयिक परिवेश को देखते हुए। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।